हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के वन ऑफ दी बेस्ट एंड लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर की मचावेचित अपकमिंग मूवी द सिग्नेचर के बारे में। जैसे कब तक होगी ये मूवी रिलीज और क्या इंटरेस्टिंग आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, द सिग्नेचर एक ड्रामा मूवी होने वाली है जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया है नेशनल अवार्ड विनर, जी हां दोस्तों, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर गजेंद्र अहिर ने। और वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है केसी वोकाडिया के द्वारा। अगर हम बात करें इस मूवी की कहानी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा हार्ट टचिंग होने वाली है, जो कि होने वाली है कॉमन मैन की। और वहीं ये मूवी रीमेक होने वाली है मराठी फिल्म अनुमति की, जिसकी मेन लीड रोल में आपको देखने को मिले थे लेजेंडरी एक्टर विक्रम गोखले, जो की अब हमारे बीच नहीं रहे। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें द सिग्नेचर की, तो दोस्तों इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर अनुपम खेर, जिनका साथ देते नजर आएंगे मनोज जोशी, रणवीर सिरोय और नेहा कुलकर्णी। दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको लेकर तो मेकर्स ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन खबरों की माने तो इस मूवी को अगले साल यानी कि 2023 में रिलीज किया जाना है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ही देखने को मिलेगा। और वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का ऑफिशियल टीजर या फिर कोई अनाउंसमेंट आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसे इस मूवी से कोई और अनाउंसमेंट होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।